वहीं रुक जा। दी अद्वितीय बेशर्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू फिर से घर में ले है। मैं जानती हूं सर, मेरा यहां आना बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आई, वो भी सभी सबूत के साथ। आदिशान, मेरा प्यार सच्चा है, क्या गलती थी मेरी? निशान पे विश्वास या आदिशान से प्यार? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मेहरबानी करके यहां से जाओ प्लीज। आदि, तुम्हें मेरी परवाह तो है नहीं, पर कम से कम काकी माँ काकुसा के सामने तो इस तरह तुम दोनों। आपसे हम बाद में बात करेंगे, पहले धर्मेश सर से कुछ बात करनी। सर, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, कल आप सबने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन आज मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं सबूत लेकर आई। तो मुझे बोलने का हक है? काकू साहब, आप तो इंसाफ में बिलीव करते हैं ना, आपको जानवी को ये मौका देना होगा। जरा सुन तो लीजिए, मैं और जानवी जानवी के घर से यहां तक रिक्शा में आए, यहां तक पहुंचने में हमें करीब 20 से 25 मिनट लगे। क्या मतलब है इन सब बातों का? क्या कर रहे हो आदि? निशा बेटा, इनकी बात सुन लेते हैं, बोलो। कल रात निशा ने जानवी को फोन किया था, रात को 2:25 में। जानवी, आई नो इट्स वेरी लेट, लेकिन यू नो बाबा साहब। निशा, क्या हुआ अंकल को? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस तुम्हें याद कर रहे हैं। जी, ये देखिए उसका सबूत। हाँ तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मैंने ही कॉल किया था क्योंकि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। इसमें क्या कर रहे हो? सर, कुछ बातें प्रूफ करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप एक बार खुद मेरे साथ चलिए और देखिए कि ऑटो से मेरे घर से आपके घर आने में कितना वक्त लगता है। प्लीज सर, आप चलिए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे
देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी करूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी